देश की राजधानी नई दिल्ली में सोमवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। देर शाम दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जिसने प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर दी थी, लेकिन आज यानी 28 नवंबर की बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। बता दें कि नई दिल्ली में मौसम का ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से देखने को मिल रहा है। मौसम को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कुछ बोला, सुनिए। अभी पिछले दिनों दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया था और उसके बाद जो कल हल्की बूंदाबांदी हुई है और आज थोड़ी हवा भी चली है, उससे सुधार तो हुआ है प्रदूषण के स्तर में, लेकिन अभी ये अस्थाई फिनोमिना नहीं है। आगे अभी ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है साइंटिस्टों का कि आगे अभी हवा की गति कम होगी, तो ऐसे स्थिति में मतलब ये इसका फ्लैक्चुएशन जो है वो अभी जारी रहने की संभावना दिख रही है। ऐसे में चूंकि अब पंजाब के अंदर जो उत्तर भारत में पराली जलने की घटनाएं थी वो तो खत्म हो गई हैं, लेकिन जो पूरे NCR के अंदर जो गतिविधियां हैं उसका इम्पैक्ट इसमें देखा जा रहा है। खासतौर से गाड़ियों का जो पोल्यूशन है उसमें एक ये फीडबैक आ रहा है कि जिस तरह से इस समय शादी ब्याह का समय चल रहा है, तो एक व्यक्ति को तीन तीन चार चार शादियों में जाना है, तो रात के समय खासतौर से जो व्हीकल का मूवमेंट है वो काफी मल्टीपल हो गया है। दूसरा जो NCR में जो गतिविधियां हैं सारी वो उनका भी इम्पैक्ट इसमें देखा जा रहा है। तो अभी तो मेरा दिल्ली के लोगों से और पूरे NCR के लोगों से यही निवेदन है कि सुधार है प्रदूषण के स्तर में, लेकिन हमें अभी सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासनिक स्तर पर भी मॉनिटरिंग अभी Grape 3 का कड़ाई से जारी रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग वैद्यशाला में सोमवार रात 8:30 बजे तक 7.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में रात 10 बजे के करीब AQI 375 दर्ज किया गया, वहीं शाम को 4 बजे AQI 395 था और सुबह 9 बजे के करीब AQI 400 पहुंच गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज क्या है हाल? आज यानी 28 नवंबर की बात करें तो सुबह 7 बजे के करीब ITI शाहदरा इलाके में AQI 340 दर्ज किया गया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इलाके में AQI 273, जबकि आनंद विहार इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 271 दर्ज किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात करें तो वहां AQI 233 और नरेला इलाके में AQI 228 रहा। दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम? नई दिल्ली में आज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो आज नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं कल यानी 29 नवंबर से दिल्ली में कोहरे का पूर्वानुमान है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में नई दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 से 24 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। उधर AQI की बात करें तो 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है और 100 के बीच संतोषजनक, वहीं 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। बता दें कि जहां 500 से ऊपर AQI पहुंचा वहां गंभीर प्लस में ये आ जाता है।